अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 21 दिन पहले ये अभ्यास सभी विभागों में, हमारे सभी मंत्रालयों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के योजना अनुसार उनके मार्गदर्शन में ये हम सभी विभाग के लोग, कर्मचारी से पदाधिकारी से लेकर मंत्री तक, एक साथ मिल करके योगाभ्यास करना। और यह पूर्व अभ्यास 21 जून के पूर्व का जो अभ्यास है, ये निश्चित रूप में देश को और दुनिया को एक दिशा देगी। मुझे लगता है सतत योग करने का जो अभ्यास होता है, जहां हम प्रतिदिन घर में भी अपने साथ योग करते हैं, वहीं सामूहिकता का भाव, संघ गच्छध्वं संघ वदध्वं, सब मिलके करें, सब एक साथ करें, सब एक साथ चलें, यह जो जीवन का अभ्यास है, टीम स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना, अपने वर्किंग में भी, अपने परिवार में भी टीम स्पिरिट को बराबर धारण करते रहना चाहिए। और योगाभ्यास के माध्यम से हमने अपने शरीर को, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर जो है हमें स्वस्थ रखना, ये हमारे लिए परम आवश्यक है। क्षिति जल पावक गगन शबीरा, पंच तत्व निर्मित या अधम शरीरा, ये पंच तत्वों से बना शरीर पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर्यावरण विभाग में आकाश, गंगा, जल, पृथ्वी, वायु, पांचों तत्व यहाँ विराजमान है। तो पंच तत्व में हम सभी भू पर रहने वाले, भू के नीचे जितने कीट पतंग जीव जंतु जड़ चैतन्य, सबकी चिंता करना, पर्यावरण की रक्षा करना, प्रकृति रक्षित ही रक्षिता। तो प्रकृति की रक्षा आप करेंगे तो प्रकृति आपकी रक्षा करेगी, पर्यावरण आपका रक्षा करना, ये हम सब लोगों का पुनीत कर्तव्य हो जाता है। अपने विचार, आहार, कहते हैं आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धता से ही आत्मा की शुद्धि होती है। जैसा जस आहार तस विचार, जैसा आहार करेंगे, जैसा खान खाएंगे, वैसा ही विचार होगा। इसलिए अपने विचारों में भी शुद्धता लाना, आहार की शुद्धता, ये आवश्यक है। सर, एक ख्याति की बात हो रही है, पूरी दुनिया में योग भारत से शुरू हुआ और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो प्राचीन परंपरा थी उसको वापस लाया, आज पूरी दुनिया योग कर, आपको लगता है कि भारत की ख्याति बढ़ी है? निश्चित रूप से पतंजलि योग जो कहीं वन में थे, कहीं कमरे के अंदर बंद, जहाँ बाबा रामदेव जी ने इस पतंजलि योग को सड़कों पर लाने का काम किया देश विदेश में, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव को पारित कर दुनिया के लगभग 276 देशों में ने प्रस्ताव पारित किया। और आप देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को हम योग दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाते हैं। तो यह जो हमारा पूरा वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, यह जो भारत की धारणा, हमारी संस्कृति, हमारा, हमारी सभ्यता, जो हमारी ये धारणा रही है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है और सबके कल्याण के लिए, लोकः समस्तः सुखिनः भवन्तु, समस्त लोक के कल्याण और सुखी के लिए हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग हो, सभी सुखी हों, सभी आरोग्य रहें, सभी भद्र हों और सभी एक दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके पीड़ित मानवता की सेवा करें। मानव सेवा माधव सेवा, नर से नारायण की प्राप्ति के लिए मानव सेवा परम आवश्यक। हनुमान चालीसा को लेकर जो विवाद चल रहा है, क्या जी? हनुमान चालीसा को लेकर जो विवाद चल रहा है, क्या चल रहा है? हनुमान चालीसा, भाई हनुमान चालीसा तो विवाद का विषय ही नहीं है, संकट को वारने वाला हनुमान चालीसा है, सारे विवादों को सुलझाने वाला हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा तो सबको सद्बुद्धि देने वाला है, इसलिए हनुमान चालीसा विवाद का विषय कभी हो ही नहीं सकता है। अगर जो लोग इसको विवाद का विषय बनाते हैं या मानते हैं, सचमुच में वो अत्यंत ही संकीर्ण जीवन जीते हैं। हनुमान चालीसा व्यापक है, जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कपीश तो ही लोग गुजारे, राम दूत अतुलित बल धावा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, ये तो कुमति को निवार करके सुमति को लाने वाला हनुमान चालीसा है।